कलयुग में प्रेम करना भी जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा एक मामला कटनी से सामने आया है, जहां एक सरफिरे आशिक ने बात न करने के कारण युवती का गला दुपट्टे से कसकर उसकी हत्या कर दी। राम नेगवा निवासी अंजना 19 साल की थी और कटनी में छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती थी। परीक्षा होने की वजह से वो अपने प्रेमी से बात नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसका प्रेमी उस पर शक करने लगा। 12 जून को जब सुबह वो अपने छात्रावास से पेपर देने जाने को निकली, तो कॉलेज पहुंचने से पहले ही वो अचानक लापता हो गई। जानकारी के मुताबिक उसका सरफिरा आशिक शिवमंगल सिंह युवती को अपने दोस्त की मदद से उसे बीच रास्ते से उठाकर ग्राम बिरुहली में जंगल की तरफ ले गया, जिसके बाद उसने युवती के दुपट्टे से ही उसका गला घोटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को पेड़ पर लटकाकर वो वहां से भाग गया। युवती से बात ना होने पाने के कारण उसके घर वाले चिंता में आ गए, जिसके बाद युवती के परिजनों ने माधवनगर थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को पकड़कर घटना स्थल पर ले गए, जहां से उनको युवती का कंकाल मिला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्री मंगल सिंह और मौनी ठाकुर से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि दिनांक 12/6/2023 को LIC के पास से अंजना सिंह और उसकी सहेली दीप सखा को अपनी मोटरसाइकिल में बैठा कर ले गए। दीप सखा को मिशन चौक पर उतार दिया और अंजना सिंह ठाकुर को लेकर चला। उसने बताया, श्री मंगल सिंह ने बताया कि उसके मन में पहले से ही विचार चल रहा था कि अंजना सिंह किसी दूसरे से बात करने लगी है, 1-1.5 माह से बात नहीं कर रही है और उसकी हत्या कर दी है। इस पर से देहाती मर्ग कायम करके देहाती मर्ग उनकी अपराध देहात न्याय से ली गई और अपराध सदर विवेचना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय न्यायालय पेश कर वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।